सिर्फ एक और एक कप चावल के आटे से हम बनाएंगे बहुत ही रंग बिरंगे प्यारे प्यारे चिप्स, जो खाने में तो टेस्टी है ही, बनाना बहुत ही आसान है। मार्केट में ऐसे चिप्स आपको जल्दी मिलेंगे नहीं, ये इतने टेस्टी होते हैं। और इसे देखकर तो आप अगर घर पर बना लो तो मेहमान भी पूछते रह जाएंगे कि आपने कैसे बनाया। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए मैंने रख दिया है पैन। पैन में ऐड करेंगे हम कप से सवा कप पानी। तो आप देख सकते हो ये पानी 1/4 कप के करीब है। तो इस पानी में हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच मीठा सोडा और इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पानी में उबाल आने लगे हैं, तो इसमें ऐड करेंगे 1 कप चावल का आटा और फ्लेम को ऑफ कर कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चावल का आटा आप सूखा वाला यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक कर छोड़ देना है 10 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा आटा रेस्ट कर ले। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं और ये आटा ना बहुत हद तक ठंडा हो चुका है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत कम है, तो बहुत ही हल्का फुल्का सा गर्म है। तो इसे मैंने थाली में डाल लिया और इसे हम अच्छी तरह से इकट्ठा करेंगे और आटे की तरह से गूंथ लेंगे। पूरा अच्छी तरह से इसे गूंथना है, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो अभी हाथों में लग रहा था तो मैंने हाथों को वॉश कर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने से हमारे हाथों में ये आटा बिल्कुल भी अब नहीं चिपकेगा। अब इसकी हम 3 लोई एकदम बराबर बराबर कट कर लेंगे। तो हमें एक एक लोई को लेना है और इसमें कलर मिक्स करना है। आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर मिक्स कर सकते हो। यहाँ पर मैंने देखिए 1 इंच के लगभग में ग्रीन कलर ले लिया है और इसे हम अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेंगे। पहले ऐसे हल्का सा मिलाया, अब इसे हाथों में लेकर ही फटाफट से मसल लेंगे, जैसे कि फटाफट से हर जगह से मिक्स हो जाए। तो देखा कितने फटाफट से हमारा ये मिक्स हो चुका है। इसे मैंने हल्का सा रोल कर लिया है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी लेंगे, उसमें भी कलर मिक्स कर लेंगे। उससे पहले हम हाथों को वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर लिया है, मतलब एक नारंगी कलर है, पूरा प्रॉपर रेड नहीं आएगा। दुकानदार ने कहा था ये रेड कलर है, रेड कलर बोलकर ही मुझे दिया था। तो देखिए इसे भी मसल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको भी हमें रोल कर लेना है। फिर से हम हाथों को वॉश कर लेंगे। हाथों को वॉश करना जरूरी है, नहीं तो कलर वाला हाथ है दूसरे लोई को छुएंगे तो उसमें भी कलर आ जाएगा। तो इस लोई को भी हम अच्छी तरह से मसल लेंगे और इसे भी रोल कर लेंगे। तो हमें तीनों रोल को एक बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं दोनों रोल को देख लेती हूँ। तो देखिए बीच वाला रोल थोड़ा बड़ा है और अगल बगल थोड़ा छोटा है, तो इसे भी हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तीनों को पूरा बराबर बराबर हमें कर लेना है। बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन बनेगी, बहुत ही टेस्टी से पापड़ बनते हैं। तो आप पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा, वरना आपके पापड़ बढ़िया नहीं बनेंगे तो आप फिर बोलोगे कि अच्छा नहीं बना, कैसे बतलाया। तो देखिए तीनों रोल को हमें बराबर कर कर एक साथ ले लेना है, फिर इसे हमें रोल कर लेना है। तो देखिए आगे पीछे जो बड़ा है तो थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे, जैसे कि ये बराबर में आ जाए। तो इसे पूरा बड़ा कर कर रोल कर लेना है। तो जैसे मैं वीडियो में दिखला रही हूँ वैसे ही आप पूरा देखकर वैसे ही बनाइएगा, आपके पापड़ बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो आप देख सकते हो इसे मैंने थोड़ा लंबा कर कर रोल कर लिया है, कितना लंबा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे बीच से मोड़ देंगे बिल्कुल हाफ हाफ कर कर। देखिए एक बराबर मोड़ दिया और फिर से हम इसे एक में कर कर रोल कर लेंगे। तो आपको जितने मतलब बड़े छोटे पापड़ चाहिए उस अनुसार से आप रोल को रख सकते हो। जैसे थोड़ा मोटा रखोगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा पापड़ बनेगा, थोड़ा पतला रखोगे तो थोड़े छोटे छोटे पापड़ बनेंगे। तो यहाँ पर इसे हमें छोटे छोटे पीसेस में आप कट कर लेना है। इसे कट कर कर हमें इसे खोलते हुए पानी में डालकर 5 मिनट के लिए उबालना है। तो यहाँ पर देखिए कट करने से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, तो मैं इसे फिर से रोल कर कर बराबर कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर जो हम पीसेस कट कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एक बराबर कट करें, बड़ा छोटा आप कैसा भी कट कर सकते हो। इसे अभी हमें उबाल लेना है। तो आप पानी को देख सकते हो कितना अच्छी तरह से खोल रहा है। मैंने 1 लीटर पानी उबलने के लिए डाला था। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, कोई सा भी ऑयल ऐड कर सकते हो, मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है। और इसमें सारे अपने आटे के डो को
डालकर 5 मिनट के लिए हम इसे उबाल लेंगे। पानी में ऑयल जरूर डालिएगा, पानी में ऑयल डालने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं। अभी 5 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए कितनी अच्छी तरह से ये उबल रहा है, तो फ्लेम को ऑफ कर देना है और फटाफट से इसे हमें पानी से निकाल लेना है, पानी में नहीं छोड़ेंगे। अगर आप पानी में छोड़ दोगे ना तो क्या होगा, बहुत गीला हो जाएगा, तो हमें गीला नहीं चाहिए, इसे हमें हार्ड करना है। तो इसे निकाल कर हम ठंडा होने के लिए बाहर रख देंगे आधे घंटे के लिए, उसके बाद हम 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने 1 घंटे के बाद इसे बाहर निकाल लिया है। अगर आप फ्रिज में नहीं रखना चाहते तो आपको इसे पूरी रात के लिए बाहर ही छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे कट कर सकते हो अपने मन चाहे शेप में। तो देखिए अभी मैंने सिर्फ इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, आधा घंटा जब ठंडा हो गया था, तो ये अभी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो पाया है। चाकू से कट करने पर ये कैसा हो जा रहा है देखिए, ये बहुत ही जैसे दब जा रहा है और मोटा मोटा हो जा रहा है। तो हमें ऐसे मोटे पीसेस नहीं चाहिए, ऐसे अच्छा पापड़ हमारा नहीं बनेगा। पापड़ को हमें पतला पतला ही बनाना होता है, पापड़ का मतलब ही होता है पतला पतला, तभी वो पापड़ रहता है, नहीं तो ये तो पूरा पूड़ी की तरह बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा। तो आप देख सकते हो इससे अच्छे पीसेस नहीं निकल पा रहे हैं। अगर इसे हम पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ देते ना तो एकदम हार्ड हो जाता। तो इसे हम जैसे मैंने वैसे जैसे हम आलू वगैरह काटते हैं ना चिप्स के लिए, वैसे काट सकते थे। तो अभी तो हम इसे फटाफट से बना रहे हैं, तो इसे हम क्या करेंगे इसके लिए मैं आपको आइडिया बतलाऊंगी। अभी मैं आपको पतले नाइफ से भी दिखला दे रही हूँ कि पतले नाइफ से भी ये अच्छी तरह से नहीं कट पा रहा है, आप देख सकते हो। तो ये जो मोटा हो गया ना, इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों से हम दबा कर ना इसे फैला लेंगे, जिससे पतला हो जाए, हमारा ये चिप्स बेकार ना हो। जितना हम इसे पतला करेंगे उतने अच्छे हमारे ये पापड़ चिप्स बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पर हमें ले लेना है धागा, धागे की सहायता से ही हम अब सारे पापड़ को अपने कट कर लेंगे, मतलब चावल के चिप्स को बिल्कुल पतला पतला अपने मन चाहे शेप में हम इसे कट कर सकते हैं। तो धागे को हमें उंगली पर लपेट लेना है और आप देखिए जैसे मैं कट कर रही हूँ बिल्कुल वैसे आप देख लीजिए, बहुत ही आसानी से धागे से कट हो जाता है, बहुत अच्छे इसके शेप आते हैं। तो यहाँ पर देखिए बस एक उंगली में फंसा कर हमें पकड़े रखना है, एक हाथ से हमें लपेटना है, और जब लपेट लो तब खींचना है, पहले ही मत खींचिएगा नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। देखिए लपेट कर बस खींच लेना है, तो हमारे पापड़ फटाफट से कट जाते हैं। तो इसी तरह से मैं सारे पापड़ को कट कर लूँगी। तो इस पापड़ को आप कट कर कर छांव में पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो, या फिर छांव में कहीं भी रख दो, ये सूख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि इसे कैसे भी रख दो ये अपने आप सूख जाएगा, इसे धूप दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। जो थोड़े पापड़ मोटे हैं उसे मैंने हाथों से दबा कर फैला दिया, और जो ज़्यादा मोटे थे तो यहाँ पर आप देखिए मैंने निकाल दिया। इसे हम क्या करेंगे, ग्लास लेंगे और ग्लास से इसे दबा कर फैला देंगे, जिससे कि ये पतले हो जाए। देखिए कितना मोटा है, तो बस इसे हमें हल्का सा प्रेस कर देना है तो फैल जाएगा। तो आपको पापड़ को पतला ही रखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, मोटे पापड़ अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे पापड़ को मैंने कट कर कर छलनी में रखा है कि हवा में जल्दी से सूख जाए, और ये हमारे पापड़ सूख चुके हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इसे तल लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में भी तल सकते हो। और ऑयल में से हल्का हल्का धुआं आने लगा था तब मैंने इसे डालना स्टार्ट किया है। देखिए डालते के साथ ही हमारे पापड़ डबल हो जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया पापड़ बनते हैं। मैं आपको तोड़कर दिखलाती हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।